हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम बात करने वाले हैं कार्ड की, एडमिट कार्ड के बारे में, एग्जाम डेट के बारे में, क्या सीन है। अभी असिस्टेंट कमांडेंट का आ गया इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर। दो एग्जाम, सीजी कैट वाला होता है, एक सीजी पीटी होता है, गार्ड एडमिशन, और एक ऑल पर्सनल जिसको क्या कहते हैं ना, सीजी पीटी के अंदर आपको जाता है नाविक वाला, और जिसको नहीं पता उसके लिए बता रहा हूँ। और असिस्टेंट कमांडेंट का आ जाता है कैट के अंदर, कॉमन एडमिशन। तो अभी जो ग्रेजुएट लेवल का होता है इसकी जो है एग्ज़ाम डेट आ गई है, बट अभी नाविक वाली नहीं आई है। और आपके सामने एक स्क्रीनशॉट जो घूम रहा था, मैं दिखा दूं, आप बेहद परेशान ये वाला है कि इसमें तो लिखा था 2, 3, 4, 5, और इधर भाई एग्ज़ाम डेट लिखा है 5 दिसंबर 2023 कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का। क्या सीन है, इनके बारे में हम बात करेंगे बढ़िया से, ठीक है। अभी तो असिस्टेंट कमांडेंट का है, नाविक का कब आएगा वगैरह वगैरह चीज़ें जो भी हैं, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। बट एज यूजुअल जैसे हम हर बार अपने पीडीएफ्स के बारे में बताते हैं, तो इस बार भी बता ही देते लगे हाथ क्या जाता है हमारा बताने में, ठीक है। आप जान जाओगे, पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। जैसे देखो, हमारी पेड पीडीएफ जो है कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडीबी, आंतरिक के सेक्शन 1 सबके लिए है। सेक्शन 1 सबको आता है 60 नंबर का, उसी के लिए पेपर का हमने पीडीएफ बनाया जो कि मोस्ट बीवीआई है। हर बार एग्जाम से यहां से लगभग 80% से ज्यादा सवाल देखने के लिए मिल जाते हैं, 80% से ज्यादा सवाल यहां से देखने के लिए मिल जाते हैं हर बार, ठीक है। या तो डायरेक्टली या फिर सेम पैटर्न पे। जैसे हमारे पास इंग्लिश की 2 PDF है जिसकी प्राइस 60 रुपीज़ है। इसमें क्या क्या हम देते हैं, इसमें पहले तो वोकैब की एक PDF है, वोकैब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड होती हैं वो। साथ में एक ग्रामर की PDF है जहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है और उनके सॉल्यूशंस है। बहुत PDF क्या है आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो इनको बाय अगर करना है तो मैं बताऊंगा, सिर्फ इंग्लिश ही नहीं है, इसके अलावा और भी PDFs है। जैसे हमारे रीजनिंग की, तो 100% मैं गारंटी लेता हूँ रीजनिंग के एक एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो PDF के कंसेप्ट से बाहर जाएगा। 100% PDF से ही आने वाला है, बशर्ते कि कंसेप्ट आपको आना चाहिए, आप PDF के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। इससे अलग लेवल का आएगा ही नहीं भैया, लिख के ले जाओ 10 में 10 PDF। वहीं पर मैथ के 20 क्वेश्चन होते हैं, 100% नहीं भी कहते तो 99% कह सकते, एग्जैक्ट इसमें कोई डाउट नहीं है। मिनिमम जो है 99%, मैक्स टू मैक्स 100% हमारी PDF के कंसेप्ट का यूज करके सवाल बनते हैं हर बार, ठीक है। हमारे सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, तो इसका सॉल्यूशंस भी है, सॉल्यूशंस का लिंक है, वीडियो आप देख सकते हो मैथ में। साथ साथ मैथ के साथ साइंस भी है सेक्शन 1 की, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में दिख रहा है आपको, इंग्लिश भी और साइंस भी, जिसमें लगभग 30 PDF में जो है, सारे PDF में 500 के क्वेश्चंस आसपास है। इनको एग्जाम से पहले कर लो आप। सारे PDFs को बाय करने के लिए आप व्हाट्सअप करोगे, व्हाट्सअप नंबर क्या है हमारा भाई, 7279047787। सारे PDF की प्राइसेज अलग अलग है, जैसे मैथ की 55 रुपीज़ है, साइंस के 50 रुपीज़ है, ठीक है। वहीं पे हम बात करते हैं रीजनिंग की 45 रुपीज़ है, और इंग्लिश का मैंने बताया। अगर आपको सारे PDFs लेना है तो सारे ले लो, अगर कोई एक PDF जिस जो सब्जेक्ट खराब है वो भी लेना है तो व्हाट्सअप करके बाई कर लो। मोस्ट BVI PDFs हैं भाई, आपको मैं पहले बता दे रहा हूँ। और ये चीज़ हमारा रिकॉर्ड रहा, हमने सबसे ज़्यादा रिजल्ट भी दिया और इस बार हमने सिलेक्शन भी दिया बहुतों को, GD के अंदर, DV के अंदर, इवन नेवी के अंदर भी आया SSR किसी का, ठीक है। तो हमने बहुत दबा के रिजल्ट, सिलेक्शन तो आपको ही पहुँचा ही देंगे, टेंशन ना लो। अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में क्या सीन है। देखो, हम बात जो कर रहे थे, हमने, मैं तो कभी बात ही नहीं किया इसके ऊपर, क्योंकि मेरे को ये जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आता मैं ऐसे स्क्रीनशॉट के बेसिस पे वीडियोस नहीं बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है, ठीक है, जिसको मतलब जो है ना वो जल्दीबाजी वो बनाए, और जिसको जल्दीबाजी सुनने की वो 10 वीडियोज़ दिन के देख के टाइम वेस्ट करे। चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपको, क्या मैं आपको बता दूं, दिन में 4 बार बताऊं कि 2, 3, 4, 5 का डेट एक स्क्रीनशॉट घूम रहा है तो क्या मिल जाएगा आपको, क्या आपको जिस दिन आपने वीडियो देखा उस दिन आपका एडमिट कार्ड मिल जाएगा, या फिर कोई आपके एग्जाम सेंटर बता देगा, या फिर कोई क्वेश्चन बता देगा, नहीं बताएगा। टाइम वेस्ट मत किया करो, हमेशा ऑफिशियल अपडेट की वेट किया करो। यहाँ पे लिखा था 2, 3, 4, 5 को वो लोग कोस्ट गार्ड के एग्जाम लेंगे, बहुत बढ़िया। क्या मॉक डे वगैरह वगैरह ये आपके लिए नहीं है, उनके ऑफिशियल्स के लिए जो भी चीज़ है। 2, 3, 4, 5 को ये लोग कह रहे थे कि आपका जो है दिसंबर में, ठीक है, बहुत बढ़िया। और कह रहे हैं कि नो लास्ट मिनट चेंजेस और डेविएशन इन शेड्यूल इज एक्सेप्टेबल, मतलब लास्ट टाइम पे बिल्कुल भी चेंजेस एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत बढ़िया। एक लैब के अंदर, मतलब जो भी है सेंटर के अंदर, शिफ्ट के अंदर 150 से 170 स्टूडेंट चाहिए, यही वाली। तो मेरे को एक बात बताओ, 5 दिसंबर 2023 को एक कंडक्टर आ रहे हैं GD की, GD नहीं, और ये GD है मतलब असिस्टेंट कमांडेंट की, ACGD। इसमें आपका ना सिर्फ ACGD होगा, बाकी ब्रांचेस के भी होने वाले हैं, ये चीज़ तो पता है आपको, बाकी ब्रांचेस के भी असिस्टेंट कमांडर 5 तारीख को।
कोस्ट गार्ड का एक मतलब मैं बताता हूँ आदत क्या ना, हर बार जब भी एग्जाम लेता था ये, जैसे मान लो इन्होंने दो तीन चार पांच, अगर मान लो ये एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, तो पहली बात तो ये 4 दिन मिनिमम तो नाविक के लिए लेते थे भाई, मिनिमम नाविक के लिए लेते थे। और इस नोटिफिकेशन के अंदर बिल्कुल भी ये चीज मेंशन नहीं है ये चीज की नाविक का है कि ये असिस्टेंट कमांडेंट का। इसका मतलब जब भी ये सेंटर बुक करते हैं दोनों के लिए एक साथ करते हैं, आपको पता है ना कि जैसे एसी का भी और नाविक का भी, एसी का मतलब होता है असिस्टेंट कमांडेंट, एसी का भी और नाविक के लिए भी एक साथ ही करते हैं ये लोग बुक। तो अगर इन्होंने हर बार क्या करते थे, असिस्टेंट कमांडेंट का नाविक के जस्ट एक दिन पहले मान लेते ना, अगर 3 4 5 को अगर ये कंडक्ट कराना चाहते हैं असिस्टेंट कमांडेंट का, तो 2 तारीख सॉरी नाविक का, तो ये 2 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करा लेंगे एसी वाला असिस्टेंट कमांडेंट का। लेकिन इन्होंने कंडक्ट करा रखा है 5 का डेट दे रखा है, दिख रहा आपको स्क्रीनशॉट, इन्होंने 5 दिसंबर को डेट दे रखा है असिस्टेंट कमांडेंट। तो अगर ये रियल होगा भाई, देखो मेरे को अभी 100% शॉर्ट ही नहीं है इसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि इन्होंने दे रखा है इस तरीके से कि 5 तारीख को कंडक्ट कराएंगे और इसका एग्जाम डेट दे दिया इन्होंने, और अगर इनको 2 3 4 को एग्जाम कंडक्ट कराना है तो इनका एग्जाम डेट इन्होंने नहीं दिया, ठीक है। जो चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो चीज एग्जाम 5 तारीख को इसका एग्जाम डेट दे दिया इन्होंने, ठीक है, मे बी आज अगर 2 तारीख को लेना होगा तो आज तक तो आ जाना चाहिए इनका, ठीक है, आज शाम तक देखते हैं, बाकी मैं वीडियो अपडेट जो होंगी बनाऊंगा। लेकिन जो 5 तारीख को एग्जाम है उनका एग्जाम डेट ये लोग दे दे दिए, और 2 3 4 को जो है इसका तो अभी दिए नहीं। और इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा था कि हम जो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, देखो बताता हूँ, जो ये असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती थी 02 जून 2024, इन्होंने ये नहीं लिखा था कि दिसंबर में मिड में लेंगे कि स्टार्टिंग में लेंगे, तो दिसंबर 2023 लिखा था, लेकिन नाभिक वाला ये लोग मिड या फिर एंड दिसंबर लिख रहे थे, ठीक है। और ये ऐसा कभी नहीं हुआ था ना कि मिड दिसंबर एंड दिसंबर लिख के स्टार्टिंग में ले लें, बट इस बार थोड़ा सा अभी भी नाविक का कुछ क्लियर नहीं है बढ़िया से। लेकिन जो भी चीज़ है, जिसको भी अगर लग रहा है कि 2 3 4 5 को हो रहा है, ठीक है, आप प्रिपरेशन करो दिसंबर में 2 3 4 5 को हो, या दिसंबर में 16 17 18 19 को, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा भूचाल आ जाने वाला है। 2 तारीख को कोई आपके मतलब एग्जाम सेंटर के बाहर ही अमराज खड़ा हो जाएंगे, और 16 17 को आपके सामने जाके ना कहते इंद्र भगवान खड़ा होके फूलों की बरसात कर देंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एग्जाम देना 10 दिन पहले दे, 10 दिन बाद दे, अगर कह रहे हो कि नहीं हमारे प्रिपरेशन में फर्क पड़ जाएगा, तो इतना दिन से क्या प्याज छिल रहे थे बैठ के, 10 दिन में तुम्हारा प्रिपरेशन में फर्क पड़ जाएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन लास्ट में 1 मंथ में नहीं होती है भाई, ये चीज मैं क्लियर कर दूँ। जो लास्ट के 10 डेज 20 डेज से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लिख के ले जाओ 100%, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, आपको एग्जाम क्रैक नहीं होगा, सेल्फ सेटिस्फेक्शन से बातें अलग है, ठीक है। एग्जाम का आपका क्रैक तो होने से रहा 10 दिन 12 दिन वालों का। सुनो कि कोस्ट गार्ड, एक चीज मैं बता दूं, अगर ये 2 3 4 को एग्जाम कंडक्ट करा रहे, तो इसका मतलब क्या है, आज तक इन्होंने 3 दिन में नाविक का एग्जाम कंडक्ट नहीं कराया, 4 दिन तो लगे जाते हैं। बाकी देखते हैं जो सीन थी, जो भी मेरे पास कोई अपडेट था नाविक असिस्टेंट कमांडेंट का, इसके ऊपर कह रहे थे वीडियो बनाओ, मैं तो कल बनाए भी नहीं, क्योंकि मेरे को लग नहीं रहा था कि असिस्टेंट कमांडेंट का बनाने की जरूरत है, नाविक की आगे तो बनाएंगे, बट आप लोग व्हाट्सअप करके बोल रहे थे तो मैं बना दिया। तो अब ये चीज देखने वाली, अगर ये आज शाम तक दे देते तो 2 3 4 को एग्जाम होगा, ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा लोचा लग रहा है मेरे को अभी भी इसके अंदर। मैं 100% श्योर नहीं हूँ जब तक कि ऑफिशियल अपडेट ना है, ठीक है, जब तक कि ऑफिशियल अपडेट ना है मैं श्योर नहीं हूँ। और बढ़िया है, आपका स्क्रीनशॉट आपको अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, जिसने वीडियो बनाया मे भी उसकी बातें सही हो जाए और एग्जाम इसी डेट को हो जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है। मुझे तो जब भी मेरे को कोर्स बेचना होगा मैं बेच लूंगा, पीडीएफ जितना बेच लूंगा, मेरा क्या, जितना पढ़ाना मैं पढ़ा लूंगा, ठीक है, एग्जाम कभी भी हो। लेकिन एक चीज मैं बताऊँ कि अभी लास्ट टाइम है, रिविजन पर थोड़ा फोकस्ड हो और साथ में मॉक्स वगैरह लगाऊं। हम लोग अभी हमारे बिहार में बहुत ज़्यादा फेस्टिवल की वजह से हम लोग ना, मैं मॉक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करा था, लेकिन अभी सारे मॉक्स में जो पेड मॉक्स हैं उसके अंदर 10 मॉक है ना, वो बाई मत करो अब कोई, उसके अंदर की 4 मॉक मैं आज फ्री कर देता हूँ। आज मतलब आज क्या कह सकते हैं, आज जो आपका डेट है 21 नवंबर, 21 नवंबर को उसके अंदर की 4 मॉक्स फ्री कर देता हूँ अभी। बाकी 2 3 4 अगर एग्जाम भी कंडक्ट कराते तो इसमें टाइम है, लास्ट मोमेंट पे भी मॉक लगाते हैं हम लोग ना, तो 4 दिन के अंदर बाकी की और हम लोग 5 6 मॉक रेडी करके फ्री में दे देंगे सब। अभी एग्जाम तक आपका सफिशियंट है, रेगुलर 1 मॉक लगाओगे तो ठीक है, बाकी 4 मॉक टेस्ट फ्री करते हैं। बाकी आगे एक चीज में बहू, कोई बाय मत करना, और वैसे भी प्राइस हमने 61 रुपीज ली थी, कोई कंप्लेंट भी नहीं कर सकता कि हमको पेड दिया किसी को फ्री कर दिया, ना अमाउंट हमने लिया नहीं। बाकी आगे की जो मॉक हम लोग अपलोड करेंगे वो फ्री करेंगे, बाकी इसमें भी जो मॉक है उसको आपको बाय नहीं करना होगा, आप व्हाट्सअप करके पूछ लेना जो मैंने बताया, अगर आपको मॉक लगाने नहीं आ रहा है कहाँ से लगाएं कैसे लगाएं, आपको हेल्प कर दी जाएगी। अब ऐसा नहीं कि फ्री की चीज़ें हैं तो हेल्प नहीं करेंगे, हाँ करेंगे। तो कहाँ पे मॉक लगाना है आपको, ATZ स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे जाना, 60 रुपीज़ की एक मॉक होगी, उसको बाई मत करना, पेमेंट नहीं करना, उसको ओपन करना, प्राइस दिख रही है रहने दो, उसको ओपन करोगे उसके अंदर एक
नीचे पेना और ऊपर एक कंटेंट का ऑप्शन दिखता है, कंटेंट लिखा रहता है, कंटेंट पे टच करोगे उसमें जो भी चीजें फ्री वाली होंगी आपको दिख जाएगी। मॉक्स लगाओ, मॉक्स के वीडियो सॉल्यूशंस रहते हैं, वीडियो सॉल्यूशंस लगाओ, ठीक है। बाकी जो हमारी पीडीएफ्स हैं ये फ्री है भैया, सॉरी पेड है भैया, फ्री नहीं है। इन सारे पीडीएफ्स को बाय करने के लिए आपको व्हाट्सअप करने पड़ेंगे, और व्हाट्सअप करके बाय करो। एग्जाम से पहले मैं कह रहा हूँ दो बार इनको एक बार बना लो, लास्ट मोमेंट में बहुत हेल्प करने वाले ये सारे पीडीएफ। बाकी साइंस का पूरा रट लेना, वोकैबुलरी जितना हो सके रट लेना। वोकैबुलरी अगर बहुत ज्यादा कुछ ना भी हो पाए ना, तो एक चीज मैं बताऊं, इसके अंदर पूरा वन वर्ड और इडियम्स तो रट ही जाना भाई, वन वर्ड और इडियम्स तो रट जाना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो 100% आते ही आते। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो लाइक करके।